हे गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अभी तक जो आप लोगों ने सिरजी पपीज देखे ना, इनको देखने के बाद उन सबको भूल जाओगे। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि यार मंजी, इन पपीज में ऐसा क्या है जो पहले वालों में नहीं था। तो यहाँ पर आप लोगों को एक नहीं बल्कि दो दो रीजंस मिलने वाले हैं, जिनके बाद आप लोग इन पपीज को परचेज करने पे मजबूर हो जाओगे। सबसे पहला तो इनकी क्वालिटी, भाई क्वालिटी जो ना अल्टीमेट है। बाकी आप लोग जब इनके फादर को देखोगे ना, तो आप लोग इन पपीज को परचेज किए बिना तो रह ही नहीं पाओगे। और दूसरी चीज है इनका प्राइस। भाई आप लोग जानते हैं कि हमेशा प्राइस सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि भाई प्राइस पे डिपेंड करता है कि आप लोग उन पपीज को परचेज कर पाओगे या फिर नहीं। तो प्राइस भी यहाँ पर बहुत जेन्युइन होने वाला है। तो पहले तो आप लोग इन पपीज की मार्किंग देखिए। भाई जो परफेक्ट मार्किंग होती है ना, वो आप लोग को इन पपीज में मिलने वाली है। आप लोग इनकी आंखों पर ये गोगल के निशान देख सकते हैं। दूसरी चीज है क्वालिटी। भाई पपीज जो ना बिल्कुल पंच फेस में काफी हैवी बोन है और बिल्कुल एक्टिव है, तो यहाँ पर क्वालिटी में भी आप लोग को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। एंड तीसरी चीज है पपीज होम ब्रीडिंग के, जो की सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि भाई पपीज को अच्छे से मेंटेन रखा जाता है। अगर किसी ब्रीडर्स के पास है तो भाई वो केज के अंदर रखते हैं, जहाँ पर पपीज की जो हेल्थ होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती। लेकिन अगर पपीज होम ब्रीडिंग के, तो पपीज पूरा दिन घूमते रहते हैं, मन करता है जब मदर का दूध पी लेते हैं, तो इससे पपीज की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी हो जाती है। एंड इन पपीज को तो जब चाहो आप लोग लाइव वीडियो कॉल पर देखकर भी सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि ओनर के पास जैसा कि चार पपीज आप लोग देख रहे हैं, भाई ये चारों के चारों मेल है, तो फीमेल आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। लेकिन फीमेल अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग दूसरी वीडियोस देख सकते हो या मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और हाँ, हमारे चैनल पर सिरजू के अलावा सभी डॉग ब्रीड आप लोगों को मिल जाएंगी, जो कि इंडिया में रेयरेस्ट डॉग ब्रीड है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी भी डॉग ब्रीड को परचेज करना चाहते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो पाए। तो गाइस, जब भी आप लोग पपीज देखते हो तो उनके पेरेंट्स के बारे में जरूर देखना चाहोगे कि किस टाइप के हैं। तो गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये इन पपीज के फादर हैं। भाई अल्टीमेट क्वालिटी के सेकंड पिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका फर और क्वालिटी भाई बड़ा जबरदस्त है। लेकिन जो मदर की फोटो वीडियोस हैं वो उन्होंने सेंड नहीं कर रखी, डोंट वरी, वो भी मिल जाएंगे। आप लोग ओनर से पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो पपीज है ना, ये 30 डेज के हो चुके हैं, और सिरजू एक स्मॉलर साइज की डॉग ब्रीड है, कहीं पर भी काफी आसानी से रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड हाँ, ये बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते, तो इनसे ये एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि कोई बाहर से आ रहा है तो इनके ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये सभी के लिए काफी फ्रेंडली होते हैं। सो इस तो मैं आप लोगों को इन पपीज की बता चुका हूँ। अगर बात करें लोकेशन के बारे में कि कहां से आप लोग इन पपीज को परचेज कर पाओगे, तो भाई ओनर की जो लोकेशन है वो है हापुड़ उत्तर प्रदेश से। तो डिलीवरी को जितने हो सके अवॉइड करो भाई, आप लोग डायरेक्ट ओनर को विजिट करो, पेरेंट्स को देखो, पपीज की क्वालिटी को कंपेयर करो, उसके बाद में ही परचेज करके लेके आओ। क्योंकि भाई जहाँ पर आप इतने पैसे दे रहे हो, हर एक चीज अच्छे से क्लियर होना जरूरी है, आप लोगों का पसंद का पपी आना जरूरी है। बट अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो कुछ सिलेक्टेड एरियाज में उन्हें डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। एंड फाइनली, अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें, तो पपीज एक्सीलेंट क्वालिटी में, प्रॉपर मार्किंग में एंड मेली अवेलेबल है। तो ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की ना, वो के जस्ट 12,000 पीस, यानी सिर्फ 12,000 रुपए। लेकिन दोस्तों, प्राइस जो ना ये भी शायद फिक्स नहीं है, तो बार्गेनिंग कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करके जरूर जाएं। मिलता हूं अगली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।